हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज शुरू करते एक नए ब्लॉग की। अभी मैं आया हूँ ऑफिस से। ऑफिस से आने के बाद कुछ खाने के लिए देखता हूँ क्या है। भूख लग रही है बहुत तेज। आज बस नाश्ता ही किया। लस्सी लेंगे, दही और खाएंगे कचौड़ियाँ। कायू आ जाओ, देखते हैं कायू को। और अभी हमको थोड़ा सा बाहर भी जाना है। कायू रेडी है क्या, चलने के लिए रेडी है क्या? ओह माय गुडनेस, कायू रेडी है अपने कपड़ों में घूमने के लिए, रेडी है एकदम। बहुत जल्दी है। क्या कर रहा है? बैठा है तो चलना है ना आप तो। भैया चलते हैं, चलो। तो हम लोग जाएंगे अभी रिफाइनरी हॉस्पिटल, कुछ टेस्ट कराए थे, उन्हें चेक कराना है डॉक्टर को। और देखो शरीफा कितना बड़ा है, रेडी है आने के लिए। ये आ रहा है वो साथ अपने के। तो हम चलते हैं, एक कार लेके जाना पड़ेगा आज तो। ये है हमारा अपार्टमेंट्स का पार्क। तो हम निकल लिए अपने अपार्टमेंट से रिफाइनरी हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ से हमको 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। कायू बैठा है पीछे। अभी देखो दिन में कैसा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। दिन में कोई बाहर ही नहीं निकलता, मतलब ऑलमोस्ट लोग रेस्ट करने चले जाते हैं अपने बिजनेस से, फिर इवनिंग आवर्स में आते हैं। लगभग यहाँ पे 4 बजे दोबारा चहलकदमी अच्छे से शुरू होती है। देखो कितना रोड अच्छा है प्रॉपर, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत कम दिखेंगे आप। यहाँ पे हम लोग बड़ौदा के ऑलमोस्ट बाहर आ गए साइड में। देखो गाड़ी में कैसे काई कहाँ जा रहा है बेटा? घूमी घूमी जा रहा है। घूमी घूमी जा रहा है। कहाँ पे घूमी घूमी जा रहा है? गाय पे बैठा है। ओह माय गुडनेस, गाय पे बैठा है भाई काई। ओह माय गुडनेस, पापा बैठा है। पापा बैठा है। बोलो। बुआ बैठा है। बुआ भी बैठा है। ओके, उसको ठीक से बोलना नहीं आता, बस बोलना सीख लिया है तो उसे बस मतलब पता है, बट वो मतलब और कुछ जानती नहीं। अभी आज वो हो गई 19 मंथ ना। आज हो गई कायू इज 19 मंथ ओल्ड नाउ। कायू व्हाट? मम्मी पापा बैठ। देखो यहाँ पे पतंग का मांझा बहुत रहता है ना, तो बाइक के आगे मतलब टू व्हीलर के आगे वो वायर बेचते हैं जिससे कि मांझा वगैरह किसी को हार्म ना करे, सेफ्टी के लिए। यहाँ पे अभी 14 और 15 को मकर संक्रांति पे काफी बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है, तो उससे जो चाइनीज मांझा होता है वो बहुत हार्म करता है, तो मैं तो कहूँगा अवॉइड करें उसको लोग। हम लोगों ने भी बाइक यूज करना बंद कर दिया कल से। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा टेम्पल है राइट में, तपोवन टेम्पल। देखा ये IPCL प्रमाइसिस में है, ये इंडियन पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, उसका है IPCL का कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंस वहाँ पे है। IOCL टाउनशिप में, प्यारी सी ये टाउनशिप। और देखो कितने पुराने पुराने यहाँ पे ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े। ये है हमारा रिफाइनरी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे मुड़ते हैं। ये देखो हम आ गए यहाँ पे रिफाइनरी हॉस्पिटल में, और इसका प्यारा सा एंट्री, फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है। देखो कायू आई। वाह,
काई भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं घूमी 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 करके घर चलेंगे। तो हॉस्पिटल से काम करने के बाद हम चल दिए अपने प्लेइंग ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे देखिए कितने पुराने पुराने, देखो बर का पेड़ है ये बहुत पुराने। तो इस इन्हीं के नाम पे पहले एक्चुअली वडोदरा का नाम बरोड़ा था, फिर चेंज करके वडोदरा हो गया था बाद में, ठीक है ओके। तो आगे था हमारा प्लेइंग ग्राउंड, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे ना, काफ़ी ग्रीनरी एटमॉस्फेयर शांत, और काफ़ी पशु पक्षी बहुत रहते हैं द टाउनशिप में। देखिए इंजॉय करो ग्रीनरी को। ये है यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड जस्ट सामने, इसके ठीक सामने प्लेइंग ग्राउंड है, और यहाँ पे है एक प्लेइंग ग्राउंड के सामने लगा हुआ एक स्टील का बॉलर, उसके हाथ में बॉल दे रखी है लोहे की, वो दिखेगा आपको, दिखेगा सामने, ये खड़ा है ग्राउंड के ठीक सामने, ये रहा सामने। तो कायो के साथ खेलने के बाद मेरा किया क्रिकेट खेलने का मन, और मैं चल दिया क्रिकेट खेलने। देखिए देखिए वाली बॉल तो मुझे दिखाई नहीं दी, घास भी ग्रीन थी बॉल भी ग्रीन, ऊपर से ग्रे हो गई थी। ये वाली बॉल भी काफ़ी कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने चौका मारा यहाँ पे, फिर मैंने बॉल चेंज कराई नेक्स्ट बॉल पे। ये मारा चौका और नेक्स्ट बॉल पे पड़ेगा छक्का। आज के व्लॉग में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।